एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज बताएंगे जो टिकोन बोर्ड होती है, टिकोन बोर्ड के सोर्स पीसीबी में क्या क्या कंपोनेंट लगा हो सकता है, उसको प्रैक्टिकली हम कैसे ट्रेस करें। दो पार्ट बनेगा, दो पार्ट में बताएंगे जो पहला पार्ट बनेगा थ्योरी में यानी प्रैक्टिकली में उस तरीके से लगा हो सकता है, अगर उस तरीके से लगा है तो पार्ट टू में प्रैक्टिकली हम किस तरीके से ट्रेस करें कि जो कंपोनेंट लगा है, जितनी सोर्स काप लगी है, जो है लेफ्ट हो चाहे राइट हो, ऐसे उसको प्रैक्टिकली हम ट्रेस कर सकते हैं। पार्ट टू में आप लोगों को देखने को मिलेगा, पार्ट वन में देखने को मिलेगा कि प्रैक्टिकली में जो सोर्स पीसीबी होती है टिकोन बोर्ड में, उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगी है, सोर्स काप लगी है पैनल के हिसाब से, पैनल कितनी बड़ी है, सोर्स काप दो है कि चार है कि छह है, कितनी सोर्स काप है, और सोर्स काप जहां लगी होती है टिकोन के सोर्स पीसीबी में कंपोनेंट लगी होती है, रेजिस्टर लगी होती है, कैपेसिटर लगी होती है, उस कैपेसिटर और रेजिस्टर की क्या काम होती है, पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा उसको हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। चलिए देखिए अपने स्क्रीन पर, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये जो टिकोन बोर्ड होती है, टिकोन बोर्ड के बाद सोर्स पीसीबी लगी होती है, राइट में लगी होती है और ये लेफ्ट में लगी होती है। कंपनी के हिसाब से कोई भी सर्किट बनी होगी, चाहे नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, कोई भी टीवी है जिसमें टिकोन बोर्ड लगा है तो इस तरीके से सोर्स पीस भी लगी होगी, राइट में भी लगी होगी और लेफ्ट में भी लगी होगी। पैनल की इंच के हिसाब से, जिस हिसाब से पैनल को चलना होगा, जिस हिसाब से सोर्स काप देना होगा, देखिए एक साइड में तीन सोर्स काप है और एक साइड में तीन सोर्स काप है, या कंपनी अपने अनुसार सोर्स काप दे सकती है जिस हिसाब से पैनल को चलाना होगा। देखिए इससे पहले मैं टिकोन बोर्ड पर पूरा वीडियो बना चुका हूँ, टिकोन बोर्ड क्या होती है, टिकोन बोर्ड कैसे काम करता है। अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं तो यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। एक एलबीडीएस से दो एलबीडीएस टिकोन बोर्ड बनाने का काम करता है। ये जो चित्र बना है, उदाहरण के तौर पर मानिए ये चित्र किसी भी कंपनी में किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन इसी सर्किट पर आप लोगों को समझाएंगे। टिकोन बोर्ड लगाने का मकसद ये है कि हो सकता है पैनल की लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो, क्या करेगी कंपनी, टिकोन बोर्ड के बाद सोर्स पीसीबी लगाएगी, जो सोर्स पीसीबी क्या करेगा, मेंटेनेंस करने का काम करेगा, आधा एरिया इधर काम करेगा, आधा ये काम करेगी। सोर्स पीसीबी होती है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा है, कैसे पता लगाए, कैसे टेस्ट करें कि क्या क्या कंपोनेंट लगा है, कैसे जो सर्किट है कैसे कैसे जा रही है, पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा, या वीडियो देखते रहिए। हो सकता है कि जो ये सोर्स पीसीबी लगी हो, जिस हिसाब से कंपनी सर्किट मैनेज की होगी, जिस हिसाब से यहाँ वोल्टेज सिग्नल कुछ भी निकलना होगा, उस हिसाब से यहाँ पर कंपोनेंट लगी हो सकती है। हो सकता है रेजिस्टर लगी हो, हो सकता है कैपेसिटर लगी हो, हो सकता है रेजिस्टर लगी हो, कैपेसिटर लगी हो, जितनी सोर्स काप होगी उस हिसाब से एरिया में सर्किट बनी हो सकती है, उस हिसाब से कंपोनेंट लगी हो सकती है। हो सकता है कि जो वोल्टेज जाना है, सिग्नल जाना है, हो सकता है उसको ज्यादा स्टोरेज करना हो, या हो सकता है उसको सेंस करना हो, यानी वोल्टेज को यानी सिग्नल को कम करना हो। देखिए अगर स्टोरेज करना होगा यहाँ पर कैपेसिटर लगाया जाएगा, अगर पैरल में ये कैपेसिटर लगा होगा, जो एक प्रोब होगा जो सोर्स काप से जुड़ी होगी, और जो दूसरा प्रोब होगा कैपेसिटर का, अगर ग्राउंड है, यह पैरल में है। पैरल में होने का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, एनर्जी को स्टोरेज करने का काम करेगा। एनर्जी स्टोरेज करने का मतलब है कि अगर ये सोर्स पीसीबी में जो सिग्नल या वोल्टेज जा रही है उसको क्या करेगा, अगर जो टिकोन बोर्ड से आ रही है सिग्नल या वोल्टेज क्या करेगा, उसको स्टोरेज करने का काम करेगा। उस हिसाब से स्टोरेज करके क्या करेगा, अगर कोई इसमें रिपल बचेगा तो प्योर डीसी बनाकर क्या करेगा, इसके अंदर भेज देगा। देखिए जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का काम होता है रिपल को पास करना, प्योर डीसी बनाना, यानी एसी को बाईपास करना और प्योर डीसी स्टोरेज करना। अगर इसके अंदर कोई रिपल होगा तो क्या करेगा, ये ग्राउंड करा देगा, और जो प्योर डीसी होगा, अगर सिग्नल है चाहे वोल्टेज है, उस हिसाब से क्या होगा, सोर्स काप के अंदर चला जाएगा, सर्किट में मैनेज किया गया होगा, उस हिसाब से सर्किट बनाई हो सकती है। इसी में आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर से लगा हो सकता है, यह रेजिस्टेंस हो सकता है सीरीज में लगा हो, या हो सकता है पैरल में लगा हो। अगर पैरल में होगा तो क्या होगा, जो दूसरा सिरा होगा ग्राउंड होगा, अगर सीरीज में लगा होगा तो ग्राउंड नहीं होगा। हो सकता है जो वोल्टेज या सिग्नल की एवरेज कम करना हो, अगर टिकोन बोर्ड से जो सिग्नल आ रही है
या वोल्टेज आ रही है, उस वोल्टेज और सिग्नल को रेजिस्टेंस के द्वारा कम किया जा सकता है। लास्ट की सोर्स काप होती है, चाहे राइट की हो चाहे लेफ्ट की हो, गेट एरिया इधर ही लास्ट में होता है। हो सकता है जिस हिसाब से वोल्टेज और सिग्नल हो, वोल्टेज सिग्नल कम करना हो। उदाहरण के तौर पर मानिए अगर इसमें तीन सोर्स काप है, तो तीन सोर्स काप का मतलब है कि ये जो सिग्नल आएगा, वोल्टेज आएगा, जिस हिसाब से इस एरिया में पिक्चर बनाना होगा आधा, उस हिसाब से यहाँ से सिग्नल इन करेगा FFC केबल से, और इन करने के बाद जिस हिसाब से कंपनी मैनेज की होगी, हो सकता है वोल्टेज ज्यादा हो तो हो सकता है सीरीज में लगाकर उसको कम किया जाए, या हो सकता है वोल्टेज अगर स्टोरेज करना हो पैरल में लगाकर कैपेसिटर स्टोरेज कर लिया जाए। अगर ये रजिस्टर है तो रजिस्टर का मतलब ये है कि अगर सर्किट में कोई वोल्टेज या सिग्नल कम करना है तो उस हिसाब से कम किया जा सकता है। यानी सर्किट में ये कैपेसिटर और रजिस्टर लगाने का कंपनी का मकसद है कि जो वोल्टेज सिग्नल पैनल के अंदर इन करना है, सिलिकॉन आईसी में पहुंचाना है, उस हिसाब से मेंटेनेंस होकर पहुंचेगी। सोर्स पीसीबी में इस तरीके से कैपेसिटर रजिस्टर देखने को मिल सकती है। ज्यादा केस में देखने को मिलता है कि जहां सोर्स काप लगी होती है वहीं पर कंपोनेंट लगी हो सकती है, सर्किट में किसी भी प्रकार की बनी हो सकती है। कंपनी अपने अपने अनुसार सर्किट बना सकती है, हो सकता है कंपोनेंट कम लगा हो या हो सकता है कंपोनेंट ज्यादा लगा हो सकता है उस हिसाब से यहाँ पर जो वोल्टेज सिग्नल आए ज्यादा है या कम आए, उस हिसाब से यहाँ पर स्टोरेज करके सोर्स काप को दिया जा सकता है। उसी प्रकार से लेफ्ट में भी काम करेगा, अगर लेफ्ट में जो वोल्टेज सिग्नल होगा उस हिसाब से, हो सकता है अगर कैपेसिटर को स्टोरेज कराना हो, यानी जो वोल्टेज और सिग्नल जा रही है कैपेसिटर चार्ज करने की काम भी कर सकती है। अगर यहाँ वोल्टेज को मेंटेनेंस कराना होगा तो कैपेसिटर को क्या करना होगा, एक प्रोब जो होगी सोर्स एरिया में लगा दिया जाएगा, और जो दूसरा प्रोब होगा ग्राउंड करा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, यह प्योर डीसी बनाने का भी काम करेगा और यह स्टोरेज करने का भी काम करेगा। इस तरीके से रेजिस्टेंस भी लगाया जा सकता है, इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाकर हो सकता है इसमें लगाया जाए, दूसरा प्रोब ग्राउंड करा दिया जाए। अगर सीरीज में लगा है तो हो सकता है कि जो वोल्टेज सिग्नल है उसकी वैल्यू कुछ कम किया जाए, यानी जो भी पैनल बनाई जाती है सर्किट डायग्राम पहले बन जाता है, उसके बाद ही उस हिसाब से कंपोनेंट लगाकर साइज के हिसाब से कंपनी अपने अपने अनुसार जिस हिसाब से सर्किट में कंपोनेंट लगाना होता है उस हिसाब से कंपोनेंट लगाकर सर्किट बनाई होती है, उस हिसाब से पैनल काम करती है। एक एलवीडीएस से दो एलवीडीएस बनाने का काम टिकोन बोर्ड का होता है, जो पैनल को दो डिवाइडर में बांट देता है, यानी पैनल का जो आधा सिरा होगा ये अलग काम करेगा, ये जो आधा सिरा होगा अलग काम करेगा। अगर ये जो वोल्टेज और सिग्नल राइट पे आ रही है सोर्स पीसीबी पर तो ये कैसे काम करेगी, अगर लेफ्ट में है जो सोर्स पीसीबी है तो ये कैसे काम करेगी, यानी काम करने के लिए जिस हिसाब से काम होगी, हो सकता है एक साइड में तीन हो, या हो सकता है दो हो, या हो सकता है चार हो, या हो सकता है छह हो, या कंपनी के हिसाब से ये अलग अलग सर्किट बनी हो सकती है, उस हिसाब से जिस हिसाब से ये सर्किट बनी होगी उस हिसाब से हमको चेक करना होगा कि जो अगर वोल्टेज था आ रहा है कि नहीं, सिग्नल आना था आ रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ से ये जो सर्किट था यहाँ से ये इन हुआ और जो वोल्टेज सिग्नल था इस साइड ओके है और जो वोल्टेज सिग्नल इधर जा रही है इसमें प्रॉब्लम है, उस केस में जो आधा पिक्चर होगा आधा पिक्चर में क्वालिटी दिखेगी बढ़िया और आधा पिक्चर में क्वालिटी क्या होगा डिस्टर्बिंग दिखेगी। आराम से पता लगा सकते हैं कि इस साइड में प्रॉब्लम है कि इस साइड में प्रॉब्लम है। हो सकता है अगर एक साइड में प्रॉब्लम हो तो पूरी स्क्रीन में फॉल्ट दिखे, या हो सकता है किसी केस में आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर एक साइड में प्रॉब्लम है तो हो सकता है एक साइड में कुछ डिस्टर्बिंग हो, एक साइड में ओके हो, या हो सकता है एक साइड में प्रॉब्लम हो तो पूरी स्क्रीन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हमको यह पता लगाना है कि हमारी किस साइड में प्रॉब्लम है तो पता लगाने के लिए क्या करना होगा, ये जो FFC केबल होगा एक एक बार FFC केबल हम लगाकर और निकाल कर देख सकते हैं कि हमारी किस साइड में प्रॉब्लम है, राइट साइड में प्रॉब्लम है कि लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है। हमको पता लगाना है तो स्टेप बाय स्टेप पता लगा सकते हैं। राइट साइड का FFC केबल निकाल देंगे, उसके बाद टीवी को ऑन करेंगे, देखेंगे जो आधा पिक्चर का आधा पिक्चर बन रहा है कि नहीं। अगर आधा पिक्चर बन रहा है तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि राइट साइड में प्रॉब्लम था। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो टीवी को बंद करेंगे, फिर ये जो FFC केबल होगा इसमें लगा देंगे और ये लेफ्ट का FFC केबल निकालेंगे, टीवी ऑन करेंगे, देखेंगे पिक्चर बनता है और आधा पिक्चर इधर नहीं
बन रही है। तो इससे ये पता चल सकता है कि इधर की एरिया जो है इधर के एरिया ओके है और इधर के एरिया में डिस्टर्बिंग है। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। हो सकता है त्रिकोण बोर्ड में प्रॉब्लम हो। उदाहरण के तौर पर मानिए ये जो लेफ्ट का एरिया है ओके है, तो देखिए जो राइट का एरिया है त्रिकोण बोर्ड में, त्रिकोण बोर्ड में तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर त्रिकोण बोर्ड को पता लगाना है त्रिकोण बोर्ड ओके है कि नहीं है, एफएफसी केवल राइट साइड का निकाल देंगे, उसके बाद जो वोल्टेज सिग्नल है सभी चेक कर लेंगे। अगर वोल्टेज सिग्नल सभी ओके बनने लग रहा है, इससे यह पता चल सकता है कि ये जो सोर्स पीसीबी है, इस सोर्स पीसीबी में कुछ न कुछ कंपोनेंट जो लगी है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है गेट लाइन शॉर्टिंग हो सकती है। अगर एफएफसी केबल लगाने के बाद वोल्टेज सिग्नल है त्रिकोण बोर्ड में डिस्टर्बिंग होता है, तो इससे यह पता चल जाएगा कि 100% इसी में प्रॉब्लम है और इसमें चेक करना होगा। हो सकता है ये जो कैपेसिटर लगा है ग्राउंड हो गया हो, पॉजिटिव और ग्राउंड आपस में शॉर्ट हो गया हो, प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके से हमको सर्किट में चेक करना होता है। सोर्स पीसीबी को हम इस तरीके से प्रैक्टिकली में, यानी प्रैक्टिकल में इस तरीके से सामान लगा होगा आप लोगों को पार्ट टू में देखने को मिलेगा। अगर फॉल्ट आ रहा है तो कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन कहाँ है, कैपेसिटर कहाँ है और इसको कैसे चेक कर सकते हैं, पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो पार्ट टू में देखने को मिलेगा। कैसे पता लगा सकते हैं पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। मेरा हर चीज पर वीडियो बन चुका है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।